बैंक ओवरड्राफ्ट चार्जेस सरी पची आई इंटरेस्ट और ओवरड्राफ्ट पे बदल सकता है 375 तो लास्ट मंथ का रहेगा पर डेबिट बैलेंस दैट्स फाइन लास्ट मंथ का एंट्री कर दे एंट्री की है ना 81 बैंक बैलेंस एंड कैश बैलेंस मिला व्हाट्स योर एंट्री बैंक बैलेंस एंड कैश बैलेंस टू बैलेंस पीडी कैश कॉलम 50,000 बैंक कॉलम 25,000 इज दैट राइट कैश 50 बैंक 25 उल्टा ही तो बोला नाउ रिसीव्ड अ चेक फ्रॉम स्मिता 3,800 डिपॉजिटेड द सेम इनटू बैंक योर एंट्री शुड बी बैंक टू स्मिता सो टू स्मिता The debit में टू स्मिता बैंक कॉलम इट विल बी 3,800 इश्यूड अ चेक टू संगीता ऑफ 2,500 एंड फुल सेटलमेंट ऑफ हर अकाउंट ऑफ 2,550 विल फाइंड बाय संगीता बैंक कॉलम 2,500 एंड संगीता टू डिस्काउंट रिसीव विल गो इन जेपी वर्किंग इज दैट क्लियर 50 रुपया डिस्काउंट है 2,500 इन द बैंक कॉलम राइट विड्रू फॉर ऑफिस यूज फ्रॉम बैंक योर एंट्री शुड बी कैश टू बैंक विच इज अ कॉन्ट्राइंट So, how will you do it? Two bank cash column, debit mein two bank cash column 5,000 and credit mein buy cash bank column 5,000. Small C in the LF for contract, right? Interest on overdraft charged by bank, that's your expense. So, entry will be interest on overdraft to bank. Interest mein two bank, bank mein buy interest. This interest we are talking about. This is last month. OD hua hoga, uska interest abhi charge kar diya bank. Is this clear? So, what is interest on overdraft for us? It's an expense. Buy interest on overdraft, bank column 375. Deposited into bank ki entry hoti hai, bank to cash, which is a contra entry again. So, either two cash, bank column, 8,000 and buy bank, cash column, 8,000 on the credit side. Okay? Purchase goods of 8,000 and issued a bearer check. This was a googly. आप जब भी चेक इश्यू करते हो इट इज ऑलवेज गोइंग टू बी बैंक इज ऑलवेज गोइंग टू बी बैंक टेस्ट में भी पूछा था मिस्टर आमिर क्वीन फिशर एयरलाइंस हॉलीडे के लिए बेरर चेक इश्यू किया था ड्रॉइंग्स टू बैंक वॉज देन काफी लोगों ने मिस्टेक की थी इसलिए वापस मतलब ये डाला हुआ ही है कैश पे आने वाला है सो इश्यूड अ बेरर चेक मीन्स कोई भी चेक आप इश्यू करो आप दे रहे हो ना कि ले रहे हो इश्यू का मतलब दे रहे हो अगर कोई भी चेक फाड़ के देते हो बैरर हो ऑर्डर हो क्रॉस्ड हो कोई भी हो पैसा कहां से जाने वाला है आपके बैंक में से जाने वाला है बात समझ आई तो इश्यूड एनी डैम चेक इट इज गोइंग टू बी बैंक इज दिस क्लियर एक्सेप्ट फॉर एंडोर्स एंडोर्स वाला आया हुआ चेक आप फॉरवर्ड करते हो दैट इज गोइंग टू बी कैश उसको छोड़ के सब चेक्स आर बैंक सो एंट्री होगी आपकी बाय परचेजेस बैंक कॉलम 8,000. Buy purchases, bank column 8,000. Is this clear? Or if you got that, then. Withdrew from bank for personal use. So, buy drawing, bank column 1500. Buy drawings, bank column 1500. Right? Introduce additional capital of 15,000 and deposited into the bank. Entry should be bank to capital. Not cash to capital, but bank to capital. So, to capital, bank column 15,000. Sold investment of 9,500 and deposited the check into bank. Entry should be bank to investment in shares. Shares gaya, paisa aaya. So, to investment in shares, bank column 9,500. Direct deposit made by Swati into bank 4,925 full settlement of 5,000. What do you mean by direct deposit? Swati ne directly apne bank mein paisa dal diya. So, entry kya banegi? Bank to Swati. Discount allowed to Swati. तो टू स्वाति बैंक कॉलम कितना 4,925 एंड डिस्काउंट अलाउड टू स्वाति जनरल प्रॉपर दैट इज नोट 75 इज दिस क्लियर फिफ्थ में बोला तो सर नोट बोला टू नोट्स टिल नाउ
फिफ्थ वाले का भी नोट है और 22nd वाले का भी नोट है। 22nd का एंट्री समझा आपको डायरेक्ट डिपॉजिट। डायरेक्ट डिपॉजिट का मतलब कुछ नहीं है, आपको वो बंदे ने बैंक के थ्रू पैसा दिया है, आपके खाते में डाल दिया, डायरेक्टली आपके अकाउंट में पैसा डाल दिया। तो बैंक टू पार्टी, इज दिस क्लियर? बैंक पेड आर टेलीफोन बिल एज पर इंस्ट्रक्शन, मतलब यू आर पेइंग द बिल थ्रू बैंक। ओके, यूपीआई, एनईएफटी, एनी वे टेलीफोन। सो टेलीफोन टू बैंक, सो बैंक में आएगा बाय टेलीफोन बैंक कॉलम 193। परचेज अ कंप्यूटर फॉर ऑफिस यूज 25,000, ऑफ विच 5,000 वॉज पेड इन कैश एंड फॉर द बैलेंस अ बेरर चेक वॉज इश्यूड। अगेन बेरर चेक इश्यूड इज बैंक। सो आपकी एंट्री होती है कंप्यूटर टू कैश टू बैंक, तो हाउ विल यू पोस्ट इट? इधर आएगा बाय कंप्यूटर, कैश कॉलम में 5,000 और बैंक कॉलम में 20,000। एक ही लाइन, दो बार लिखने की जरूरत नहीं है, एक लाइन में लिख सकते हो। बाय कंप्यूटर, बाय कंप्यूटर, कैश कॉलम 5, बैंक कॉलम 20,000। इज दिस क्लियर? 5,000 कैश में और 20,000 आपका बेरर चेक में। इज दिस पार्ट क्लियर? ऑल एंट्रीज गॉट करेक्ट, ऑल एंट्रीज विदाउट एनी मिस्टेक, ऑल 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 ऑल, बढ़िया। वन मिस्टेक, ओके। सेकेंड टू मिस्टेक्स, बाकी लोगों को समझा? अच्छा, वन मिस्टेक, टू मिस्टेक, मिस्टेक्स क्या हुई थी समझा? एनी डाउट्स? द होमवर्क सर, कंप्यूटर बैलेंस गाइस, व्हाट इज द फाइनल बैलेंस? बाय बैलेंस सीडी आ रहा है दोनों का, हाउ मच? 42,000 इज द बैलेंस ऑफ कैश। एंड व्हाट इज द बैलेंस एट बैंक? 26,915 is the balance at bank. Balance, not a total, I'm talking about the balance. 66,225 is the total. Balance is 26,915 of bank and 42,000 for cash. 42,000 buy balance CD cash column. Balance are not total. Buy balance 42,000 cash and 26,915 is bank. Is this clear? चलो बढ़ते हैं आगे, आज कुछ नया करते हैं हम लोग। All of you take sum number 5. Please draw for sum number 5. Fifth sum. Format is just like ledger. Format is just like ledger with two columns because we are making cash account and bank account. कॉलेज में जर्नल हो गया होगा ना स्टार्ट? खत्म होने आया फास्ट वर्क। व्हाट आर दे? दे आर गिविंग, दे आर गिविंग सम शीट, कॉलेज शीट, स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक, स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक पे दैट्स चेंज दिस ईयर, लास्ट ईयर दे लास्ट ईयर के लिए एग्जाम में रॉन्ग दिया। वेल दे डू दैट बट 11 दे यूज डू दैट। नो एंट्री शुड बी मेंशन इन नोट्स। इंडिविजुअली थोड़ा बहुत चेंजेस करते रहे, उनको खाली पूछ ले रहे हैं बाई चांस बीच में लिखा तो काटोगे क्या? बहुत रिजिड है तो फिर बोलो या
सकता है। अल्टीमेटली 11th मार्च यू आर गोइंग टू गेट फ्रॉम कॉलेज, थोड़ा बहुत जो रूल्स वगैरह है फॉलो करना पड़ेगा। माय बाप फॉलो किया 11th में, 12th देयर इज अ फ्री प्लेग्राउंड, इट्स बोर्ड्स, नो टेंशन। एंड कॉलेजेस दे गिव यू फुल 20 मार्क्स, सो डोंट नीड टू वरी फॉर बोर्ड्स। 20 मार्क्स आर इन द हैंड्स ऑफ कॉलेज, 80 मार्क्स आर इन द हैंड्स ऑफ बोर्ड्स। सो दोस 20 मार्क्स बोलेगा काट लेगा, ये कर लेगा, वो कर लेगा, बट वी हैव सीन इन पास्ट बिकॉज वी हैव ओपन द पेपर्स ऑफ आर स्टूडेंट्स। सो कॉलेजेस गिव यू फुल मार्क्स, सोमैया गिव्स फुल, एनएम गिव्स फुल, एमबीसी गिव्स फुल, ओडार गिव्स फुल, ओके, बट बी सिंसियर इन, डोंट बी बिलो द एवरेज लाइन। अटेंडेंस बहुत गया गुजरा है, चक्कर ही पहली बार देख रहा है, एग्जामिनर आता है टेस्ट के दिन पे, ऐसा नहीं होता है। ओके, यू अटेंड, कीप रीजनेबल अटेंडेंस, सबमिट द प्रोजेक्ट्स ऑन टाइम, सबमिट द असाइनमेंट्स ऑन टाइम, विल बी टेकन केयर ऑफ, 20 मार्क्स सिक्योर्ड। बहुत ही खराब रिकॉर्ड होगा तो दे डिडक्ट, फिर चॉइस नहीं होगी, दे वॉन्ट ऑल्सो दैट रेप्यूटेशन ऑफ रिजल्ट, दिल गिव यू फुल टू। ओके चलो, नाउ फिफ्थ सम, कैश बैलेंस 29,000, बैंक बैलेंस 11,500, हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ, अच्छा हाउ डू यू रिकॉर्ड इन कैश बुक, अभी क्लियर हो गया, यू रिकॉर्ड इट इन द सेम वे लाइक यू आर पोस्टिंग इन कैश एंड बैंक अकाउंट। ओके, तो हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ लेजर, थ्री पार्ट, ओपनिंग बैलेंस, पोस्टिंग, क्लोजिंग। स्टार्ट विद ओपनिंग बैलेंस, व्हाट इज द ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश, टू बैलेंस बीडी, कैश इट इज 29,000 एंड बैंक इट इज 11,500, डेट इज 1-11, 1-11, देर इज नो नरेशन फॉर ओपनिंग बैलेंस, इज दैट राइट? नाउ थोड़ा पैसा हमारा, देन रिसीव फ्रॉम श्रुति ऑन अकाउंट कैश 2750 एंड अ बेरर चेक ऑफ 1500। श्रुति से कैश भी आया और बेरर चेक भी आया, कैश तो कैश ही है और बेरर चेक रिसीव्ड भी कैश ही है, तो फिलहाल बोथ द आइटम्स यू कैन राइट इन कैश कॉलम, राइट? सो व्हाट विल बी योर एंट्री फॉर दिस, कैश टू श्रुति, दोनों के लिए कैश टू श्रुति है, तो कैश में टू श्रुति, कैश में टू श्रुति, ओके, टोटल अमाउंट कितना है 1500 प्लस 2750, साथ में लिख देना 1500 प्लस 2750 4250, शॉर्ट नरेशन, शॉर्ट नरेशन, कैश एंड बेरर चेक रिसीव, कैश एंड बेरर चेक रिसीव, कैश एंड बेरर चेक रिसीव, राइट शॉर्ट नरेशंस, डोंट राइट फुल नरेशंस, इट्स फाइन, टू वर्ड नरेशन इज फाइन, बट डू राइट इट, दैट व्हेन यू रिवाइज यू कम टू नो। दोनों को क्यों कैश कॉलम में डाला, बेरर चेक तो रिसीव्ड कैश ही होता, कैश तो कैश ही होता। पेड टू वैभव 6400 बाय चेक एंड डिस्काउंट रिसीव, व्हाट इज द एंट्री फॉर दिस, पैसा दिया है ना, हाँ, टू बैंक टू डिस्काउंट, बराबर है, रिसीव। वैभव को कितना देना था, 6400 माइनस 100 की 6500, ये समझा सबको, अभी बहुत बार आ चुका है, गड़बड़ मत करना। पेड और रिसीव्ड अमाउंट इज ऑलवेज आफ्टर डिस्काउंट, कभी भी पेड और रिसीव्ड अमाउंट इज आफ्टर डिस्काउंट, सो यू स्प्लिट इट, वैभव टू बैंक, वैभव टू डिस्काउंट, वैभव टू बैंक, वैभव में टू बैंक, बैंक में बाय वैभव, बैंक में बाय वैभव, बैंक में बाय वैभव, बैंक कॉलम हाउ मच, 400, दिस इज चेक इश्यू, चेक इश्यू, ओके, 6400 हैपनिंग ऑन 6, व्हाट अबाउट वैभव टू डिस्काउंट रिसीव, नो डिस्काउंट रिसीव्ड ऑन विच डेट, 6 विल बी रिकॉर्डेड इन विच बुक, जर्नल प्रॉपर,
that will be going in journal proper, right? Is this clear? Getting that? Badho aage. Sorry. Next one, cash sales. Simple. What is the entry for cash sales? Cash to sales. Cash to sales. How do you post it? To sales. Cash made to sales. Cash made to sales. Cash column. Cash made to sales. Cash column. It is 9 to 11. Sales may buy cash, but we are not making any sales account. Sales may buy cash, but we are not making any sales account. Okay? Next one. 10th one. Mark a star on that entry. 10th one. Please mark a star. Read. Kya diya? Check received on 3rd February 2011 of 1500. Endorsed to Pranita in full settlement of her account. 3 February ko pehle mujhe batao kitne ka check aaya tha. 1500. 4250 ka check nahi tha. Agar aap dhyan se padhoge तो उसमें 1500 बैरर चेक था और 2750 कैश था. तो आप ये 1500 का चेक क्या कर रहे हो? एंडोर्स कर रहे हो. याद है आपको एंडोर्समेंट? एंडोर्समेंट का मतलब क्या? आया हुआ चेक हमने किसी और को फॉरवर्ड कर. और एंडोर्स चेक कभी भी हमारे बैंक तक पहुंचता है कि नहीं पहुंचता? समझो मेरे पास जीत से चेक आया और मैंने अथर्व को एंडोर्स किया. तो जीत से चेक आया और वही चेक के पीछे लिख दिया एंडोर्स्ड इन फेवर ऑफ अथर्वा. मैंने साइन कर दी और अथर्वा को दे दिया. क्या मेरे बैंक में पैसा आया? नहीं. क्या मेरे बैंक से पैसा गया? नहीं. इसलिए एक रूल बताया था एंडोर्स्ड चेक का. एंडोर्स्ड चेक इज ऑलवेज कैश कैश एंड कैश. आया तो भी कैश, गया तो भी कैश. तो यहां पर 3 फरवरी को आपको जो चेक आया था श्रुति से, वो आपने 11 फरवरी 10 फरवरी को किसको एंडोर्स किया हुआ है? प्रणीता को एंडोर्स किया हुआ है. तो एंट्री क्या बनेगी? प्रणीता टू बैंक की प्रणीता टू कैश. प्रणीता टू कैश. प्रणीता टू कैश. तो प्रणीता में टू कैश, कैश में बाय प्रणीता. बाय प्रणीता. प्रणीता को पैसे दिए जा रहे हैं ध्यान से, लेकिन बैंक कॉलम में आएगा कि कैश कॉलम में आएगा? सोच के बताना. ये क्यों कैश कॉलम? एंडोर्स चेक. एंडोर्स चेक. ओके, ये खाली अंडरस्टैंडिंग के लिए लिख रहा हूं मैं. ओके, मैंने पहले भी दिया है उधर आपका नोट्स में, जर्नल का नोट्स में. एंडोर्स चेक इज ऑलवेज कैश. एंडोर्स चेक इज ऑलवेज कैश. दिस इज एंडोर्स. एंडोर्स चेक. ठीक है, तो लॉजिकली सोच के करोगे ना तो कभी दिक्कत नहीं आएगी. एंडोर्स चेक का मतलब है भैया आया हुआ चेक किसी और को दे दिया. तो हमारे बैंक तक कभी पैसा पहुंचता नहीं है. इट इज ऑलवेज कैश कैश एंड कैश. सॉर्टेड? ऑल ऑफ यू गॉट दिस? एंडोर्स कैश नॉट बैंक. नेवर एवर बैंक. परचेज डेपॉजिटेड इन टू बैंक. व्हाट इज द एंट्री फॉर डेपॉजिटेड इन टू बैंक? बैंक टू कैश, विच इज अ कॉन्ट्रैक्ट. सो बैंक में टू कैश. बैंक में टू कैश. बैंक कॉलम 10,000. और कैश में बाय बाय. कैश में बाय बाय. कैश कॉलम 10,000. कैश से गया, बैंक में आया. दिस इज कैश डिपॉजिटेड. दिस इज कैश डिपॉजिटेड ऑन 30. सॉरी, ऑन 13. ठीक है सर. सी और सी. यस, सी सी. ये तो वी आई पी, सी सी तो भूलना नहीं है बिल्कुल. ठीक है, तो सिंपल था बैंक टू कैश कॉन्ट्रैक्ट. परचेज गुड्स फ्रॉम निखिल 14,000 एट 10% टीडी एंड पेड हाफ द अमाउंट इमीडिएटली एट 5% सीडी. कैश क्रेडिट और पार्टली कैश पार्टली क्रेडिट. पार्टली कैश पार्टली क्रेडिट. पहला स्टेप क्या करना है? 14 पे यू टेक 10% टीडी. 1400 1,26,00 का दो पार्ट. आधा कैश आधा क्रेडिट. आधा कैश इज 6300. आधा क्रेडिट इज 6300. ऑन द कैश पार्ट यू टेक सीडी ऑफ 5% विच इज 315 एंड यू गेट 5985.
5985, is that right? 5985, mila sabko? Got that? Bolo abhi, tell me. 5985. Now, what is a journal entry for this transaction? Purchase. You're buying partly on cash, partly on credit. Purchase to cash. So, purchase account debit to cash discount to Nikhil. To Nikhil, right? How much do you write? How much do you write in purchase? 12,600 to cash. 5985 discount. And Nikhil. Will all the three entries go in your cash book? No. No, okay. Purchase to cash. Exactly. Purchase to cash will go in which book? Cash book. Purchase mein to cash. Cash mein? Buy purchase. Buy purchase. Cash mein buy purchase. Which column? Cash column. 5985. Cash column. Is that right? What about purchase to discount receipt? Note. Note. Matlab which book basically? Journal proper. Discount received on 17 will be going in JP. Journal proper. What about purchase to Nikhil? Come on, think. Hello. Subsidiary book. Which book? Subsidiary may be kaun sa? Purchase book. Credit purchase of goods go in purchase book. Hello. Click hua. Hello. Sabko samjha? Purchase to Nikhil को JP में मत डाल देना. Purchase to Nikhil will go in which book? Purchase book. You have bought goods on credit. So purchase to Nikhil will be going in purchase book. Here Gandhi. Getting it? Next one. Bank paid insurance premium under our standing instructions 3,800 and collected interest on investment. What are standing instructions? Standing instructions are nothing but a list of instructions which you can give to your bank to be executed at the end of each month. So, for example, you will tell your bank, pay my electricity bill, you'll connect that account. Abhi ye app mein bhi ye facility aa gayi hai. Auto pay. Yes, exactly. Auto pay. Paytm pe aa gayi hai, phone pe bhi aa gayi hai, Google pe bhi aa gayi hai. Auto pay bolte hain isko. Aise abhi abhi app pe aayi hai, pehle bank ke through hota tha. ऑटो पे का मतलब आप बैंक को बोल के रखते हो कि भाई ये मेरा अकाउंट नंबर है इलेक्ट्रिसिटी का, ये आपका मीटर नंबर रहता है ना आपका बिल पे अकाउंट नंबर, वो दे के रखते हो और सीधा बैंक का एड्रेस डाल दोगे बिल में, जैसा बिल आया पे कर देना, टेलीफोन बिल आया आप पे कर देना, कुछ बैंक से कुछ डिविडेंड आया मेरा कंपनी